रिच डैड पुअर डैड अध्याय दो। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलैक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने तीन दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने आत्मविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक अपने चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। यह है 1956 की बात। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी लोग, जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर, अपने बच्चों को पहली कक्षा से छठी कक्षा तक इसी स्कूल में भेजते थे। छठी कक्षा के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। छठी कक्षा के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को नीचे रख दिया। मुझे पता था वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरू किया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से की वजह से, इसलिए मुझे तंग मत करो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे के स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु ऐसा हमें लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी हमें भी सभी ज़रूरतों की चीज़ें दिलवाते थे, जैसे खाना, घर, कपड़े, परंतु इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, परंतु 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। परंतु क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते जो जिमी के समुंदर तट वाले घर पर मजे कर रही होंगी। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक दौड़ भाग करते रहे, हर दरवाजे पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से करते रहे, हर दरवाजे पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। उसने हमसे पूछा कि टूथपेस्ट ट्यूब हमें क्यों चाहिए? इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक भूरे कार्डबोर्ड के बक्से में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तिड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं यही सुनना चाहती
कि यह एक बिजनेस सिगरेट है, इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे बाहर उठाकर फेंक दूंगी। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, उन्हें यह बताया कि हमारी ही जल्दी हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्स ख़त्म कर लें। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख नज़दीक आ गई थी, दबाव बढ़ गया था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आई और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर तरफ बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर चल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूँकि हमारी उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे, एक बार पेंट जल जाए ही आते थे। ट्यूब शीशे के बने होते थे, एक बार पेंट जल जाए तब हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वे पिघल कर द्रव्य के रूप में आ सकें। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनरों में प्लास्टिक का पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टिक ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसे लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिनके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्तों में देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे के प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर ऊपर उठाई हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया। पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा, हो सकता है कि बच्चे अपने जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी हमें घूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की तरफ देखा और कहा,
मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। यह सब सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं, मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला लिया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी, मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार नहीं कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं, या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं? डैडी ने जवाब दिया, जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्दी कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है भाई। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज़ा है कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरा थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देरी हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी देर से घर लौटें, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा, तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर है और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें, माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल लेना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से बू आ रही थी।
और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर दो महिलाएं बैठी थीं। उनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा थी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गई, जहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराई। मैं भी जवाब में शर्मा कर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन है, मैंने पूछा। अरे, ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर योजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है, मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे, माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, मैंने सावधानीपूर्वक उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले दो पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं, मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे और टूट गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार हो, माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, परंतु मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो, जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ, मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है, अभी ढेर सा काम पड़ा है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं। मैंने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई चालू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, माइक के डैडी ने चिढ़ने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, हम दोनों ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी, उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्ट बॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्ट बॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे
वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, और अब वे बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में भरोसा करती थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को सेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत का भी। माइक के डैडी को मैं अपना आमिर टेरी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरस्ट थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7-11 कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे, पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोगों के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ धूल का गुब्बार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। 4th हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से ऐसा कमाना सीखना चाहता था। 4th हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माइक के डैडी के पास पैसा बनाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी, उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था, स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे इसलिए मैं इंतज़ार कर सकूँ, परंतु 30 सेंट के कारण मुझे बहुत धक्का लगा है। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो, मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने आवेश में पूछा, क्या वे मेरे उपता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के थे, उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूं कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसे समझाएंगे। मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं अच्छी तनख्वाह मांगूं। एक बार फिर 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें इस घटिया काम की ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर में उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिले थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकलकर चला गया। घर खाली था,
और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बेनुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने ऑफिस की बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक व्यसक का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है, इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी में पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे हों। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुबड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे, इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, डैडी ने धीमे सी आवाज़ में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा, मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा, अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने वादा पूरा नहीं किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इसी बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की, मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती, और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी किसी बेसिर पैर की बातें कर रहा था, मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब है कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग 2 चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्के को सहन कर नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग 2 चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्के को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्के देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को,
वे यह नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर लिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो, अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे, तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दें। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बातें सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है। और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है। और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दी। परंतु सच बात तो यह है कि आपने ज़िंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दी। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने के विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नज़रें हटाई जब मैं उनकी बात समझ गई। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद, मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला सीखने के बारे में नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज़्यादातर लोग इस तरह अपनी ज़िंदगी के पैसे के लिए काम करने के लिए बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसे कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा है? यही कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल लो। मुझे समस्या मत बनाओ, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना चाहिए। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद होते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही नहीं बदले। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है यह कि खुद को बदला जाए। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मैंने कहा।
अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया तो तुमने क्या सीखा, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ, अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही, खैर इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही है कि समस्या मैं हूँ तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक है, अमीर डैडी ने कहा, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहाँ उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाहें मिलती है। तुम्हें यह गलतफहमी होती है, नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है, मैंने पूछा 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए। अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी लोग करते हैं, वे यह जानते हुए कि कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा, इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी। इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेशकीमती नज़रिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने जा रहे थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नज़रिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो मुझे सीखा उससे मैं उससे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह अच्छी तरह से देख लो, उसमें बहुत से दूसरे लाभ हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। यह सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते, और तुम्हें ऐसा खुशी खुशी जरूरत होती है, गुस्सा उस फार्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्सा और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं वे, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए, मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं। और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो
तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, मेरी डैडी ने मुस्कुराकर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है, और वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, हमें डैडी ने कहा, अगर डर हो। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खास तौर पर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरियां करते हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा नहीं होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया है, अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें यह पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुणा कर और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था, एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए? भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि यह काफ़ी नहीं है, मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है, मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज़्यादातर कर्म लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है, मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियाँ कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें पूरी तनख्वाह मिली थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब है ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, हमें डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। परंतु गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, न कि उनसे फालतू सवाल पूछूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार हो? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है,
पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ, जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है, मैंने विचलित होकर पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे के लिए अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज जो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकाना ही पड़ता है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या नहीं आती। तो तुम में अब सीखने की, जानने की जिज्ञासा है, अमीर डैडी ने पूछा। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। मैंने हैरानी से पूछा, तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वह पहले से ही काम पर है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ, यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ न, उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि उन्हें मैं नौकरी से निकालने दूँ। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी, इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया गया है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ, उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे, मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल का था। 3रे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है, यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ व्यस्क सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमती में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? हमें डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा
ने कंधे उचकाए और अपने सिर को नहीं में एक सा हिलाया। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना चालू कर दो। तुम अगर जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो, अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उनके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियाँ और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटे कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मैंने पूछा। अमीर डैडे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेज मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है, मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊँ। यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नज़रियों को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम यह भी जानते थे वे हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे आपका अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर नहीं में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इनकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप था। अच्छा, $2 प्रति घंटे? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के क्लब दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मैं गरीब नहीं कह सकते थे परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने के कारण फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी जिसके नीचे वनीला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिनके मजे चिंटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रही है, और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा था। वे जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत दृढ़ निश्चय होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ही जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत दृढ़ निश्चय होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे? अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने मेरी तरफ देखा,
मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले वो पैसे के बिना रहने के डर से कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसे होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह उठने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा दे भी दें तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है, माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे हिसाब से सीखते हुए खोज लोगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा हो। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देना चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में, मैंने कहा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें, आपके लिए काम करने वाले लोग, ये सब लोग ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं, अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा, लालच की भावना आ जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है, वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा। उन्हें डर लगता है, वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज़ जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी ज़िंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी उनके भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती है कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी कि वे उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है।
अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच बात पूरी करने दो कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांचक चीज़ की इच्छा करें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने कहा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगी है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब और तेज़ी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को खोना नहीं चाहते जो पैसे से। कहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गई तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित तक हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है, तो क्या अमीर आदमी ज़्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं आता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज़ के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसने कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसे के लिए अमीर डैडी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी करते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज़्यादा पागलपन का है जिसमें कोई अमीर पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था, तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ जाता था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वह ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से निकल न जाएं। उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलाईमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि विरोध में। आह, माइक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते
कि वे अपने दिमाग से सोचने की बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही है। इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर। परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है, मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ पैसों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है, परंतु मेरे ख्याल से नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है, परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादातर लोग ऐसी सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी हैं। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा है। उसी डर के कारण वे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है, मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, परंतु मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था जब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज़्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग एक कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। देखो, आखिरकार हम सभी लोग एक कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो, डर और लालच, इन दो फंदों से बचने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए, उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह से इस जाल से बच सकते हैं, मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का उड़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया करियर था, परंतु स्कूल में उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या आपके डर को किस तरह काबू में रखा जा सकता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दो डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बात सीख सकता हूँ। तो आप पैसे न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे, पैसे की इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है, माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसे महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सिर हामी में हिलाए
पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया, यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं होती है। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक करते रहो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज़्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह की बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे यह सोचते ही नहीं है कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसके मालिक गाजर लटकाई रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण है कि जिस समय मैंने एक बेसबॉल क्लब, कैंडी और खिलौनों के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है। माइक ने पूछा, हाँ और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रोब झाड़ने के लिए नई कार, एक नाव और एक आलिशान घर। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरह ललचाती है। यही जाल है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी को ज़्यादा पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ कोई कला या व्यवसाय सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यवसायिक लोगों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। वह पूरी का अंत होना है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह पूरी तरह से समझ नहीं आया, परंतु ज़्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अमीर डैडी ने कहा। मैं एक वजह से निर्मम हुआ, मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। अपनी ज़िंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए। अपनी ज़िंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीज़ें सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से ज़िंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा या एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है, यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने दो। भगवान के लिए पैसे को अपनी ज़िंदगी मत चलाने दो। हमारी मेज़ के नीचे सॉफ्टबॉल आ गई।
अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होता है। अब चूंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देता है। चूंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाता है कि प्रलय आ जाएगा और एक दिन महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम केवल ऐतिहासिक तथ्य पर चल रहा है। और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रखते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुई लालच और डर के कारण बढ़ती है। अगर स्कूल में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को ईश्वर ही मालिक है, जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले, वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बीन काउंटर से काम लेता हूँ। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए। इससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती है। बीन काउंटर्स भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, अमीर डैडी ने गुस्से से कहा। तो फिर क्या कोई इसका हल है, माइक ने कहा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे, तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे हो। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान पाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्राइन पैच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने से ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैंने पूछा। वही जो ब्राइट रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आज़ादी। क्या ऐसा कोई ब्राइट पैच होता है, मैंने पूछा। जानकर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुँचते हैं, और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, यही विचारों को चुनने से, माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको एक खुद से सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते।
कि डर हावी हो रहा है और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसकी बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं, टार वे भी हावी हो जाती है। अपने विचार बाहर दौड़ लगा देते हैं, टार वे भी हावी हो जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था, पर हम ऐसा किस तरह करेंगे, माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यह सिखाऊँ। तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे अपनी सुबह की कॉफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे पहले कहा था, उसे याद रखो, नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाते हैं, तो वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें क्या कोई दे? इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क होता है, माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ, हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है। इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई है और किसके शब्दों में विचार, यह एक ऐसा और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई है और किसके शब्दों में विचार, यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया, खास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के डालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैरकानूनी था, सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैरकानूनी दोनों ही तरीके से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है। धन दरअसल एक मायाजाल है, जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज़्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ जाएगी। गरीब मध्यम वर्गीय और नासमझ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यह भरोसा करते रहते हैं कि धन ही असली चीज़ है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, पर भरोसा करते रहते हैं कि धन ही असली चीज़ है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम चालू रखो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी आसान होती जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौक़ों को कभी नहीं देख पाते।
इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओ, मैं इसे कहूँगा, इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें कभी कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड बाई कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में सोचते हुए और इसी बारे में बातें करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दोबारा गुड बाई कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंडर्ड को ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दोबारा गुड बाई कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंडर्ड को ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने से सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाई कह रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते तो देखा था पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। मिसेज मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधे में काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक्स बुक डिस्ट्रीब्यूटर को, और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उसे दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था। हमने इसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना लिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितने कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सोचते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपा कर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेचे। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, परंतु हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही इसकी परंतु हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारे लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वह खुश थे क्योंकि हमने उनकी पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा। काम करताज नहीं थे।
इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा तनख्वाह देने की बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। धन्यवाद। अध्याय 3, जो है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए।